एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज है गाइस दशहरा का महापर्व और अभी हम लोग आए हुए हैं मोती महल हमारे राजाओं का। तो ये देख सकते हो हमारे पीछे में हमारा राजा का मोती महल जो कि काफ़ी चमक रहा है भाई। आ जाओ, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। और इधर हमारे भाई लोग हैं, ये इधर देख सकते हो राम राम बोल रहा है आप सभी को। तो देख सकते हो भाई, ये है मोती महल हमारे कवर्धा का राजमहल है ये। और देख सकते हो भाई, क्राउड का बात करें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। शाम हो चुका है, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के 6:30 बज रहा है। तो चलो बने रहिए ब्लॉग में एंड चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले इसी प्रकार के न्यू न्यू ब्लॉग के नोटिफिकेशन जो है आप सभी को सबसे पहले पहुँचे। सो गाइस, आप सभी को दशहरा के ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हमारे सुभाष भाई इधर पीछे में रेडी है जाने के लिए, रावण देखने के लिए। हार्दिक बधाइयां दशहरा के। तो अभी चलते हैं हम रावण दहन देखने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। दशहरा के हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत बधाई हो। राम राम। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और सभी। तो अभी चलते हैं रावण दहन देखने के लिए, है ना गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। और ये भाई हमारे राजा का महल, मोती महल। और इधर हमारे सरपंच महोदय जी, आगामी हमारे सरपंच महोदय। तो अभी आ चुके हैं हम महल के अंदर, चलो दिखाते हैं पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है गाइस राज के महल में। इधर सुभाष भाई हमारे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, जनसंख्या देख सकते हो भाई आप लोग। देख सकते हो गाइस, इस पात्र को छू छू के देख रहे हैं लोग। काफ़ी ज़्यादा वजन है, दिखने में सिंपल सा लग रहा है। मेरा एक घुसने नहीं दे रहा है गाइस अंदर, इधर राजमहल के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। सबके पहरेदार खड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस देख सकते हो यहाँ पर। क्राउड को चेक करो भाई, देखो भाई किस तरह से तलवार वगैरह को दीवार में चिपका के रखे हुए हैं। इसका हड्डी है यार, हिरण 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 का हड्डी। हम लोग राजमहल से निकल चुके हैं गाइस, जा रहे हैं रावण देखने के लिए। और ये देख सकते हो ये गेट, पीछे वाले गेट से निकल रहे हैं हम लोग। गाइस यहाँ का पंडाल, दुर्गा पंडाल, गंगोत्री धाम। और अभी रोड की तरफ घूम रहे हैं, इधर मार्केट साइड देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जिधर भी जाएँ पूरा पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रहा है। रोड साइड में मस्त छोटे छोटे शॉप लगा हुआ है। ये देखो गाइस, दशहरे में चुनाव प्रचार चल रहा है भाई, काफ़ी जोरों शोरों से भाई। ये क्या देखना पड़ रहा है भाई, अजय पाली बाबा हो चुका है और फिर थोड़ा लेट हो चुके ये हमारे। गाइस यहाँ का राजा, राजा योगेश्वर राज, जो कि अभी नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं अपने रथ पर सवार होके। फाइनली गाइस रावण दहन हो चुका है, ये देख सकते हो आप पीछे में। अब हो गया पप्पी दशहरा भाई, इसी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था बट थोड़ी लेट हो गए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देखने को मिल गया। तो चलो रावण दहन हो गया, अब चलते हैं सीधा रूम पे। काफ़ी गर्मी हो गया गाइस, तो क्राउड देख रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये छीरपानी कॉलोनी का रावण, देखो छीरपानी कॉलोनी का ग्राउंड का क्राउड है। सभी के चेहरों में काफ़ी उत्साहित है, सब लोग काफ़ी खुश हैं, पूरा दहन हो चुका है। सो फाइनली अभी अपने रूम में पहुंच चुके हैं गाइस, देख लिया आज का दशहरा का पर्व, मना लिया। आई होप कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे से इस
पर्व को मनाए होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, कमेंट करके बताना कैसा लगा, उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी।